नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं एक्सेलेंट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, अडानी जो है एक नाम नहीं है, अब यहाँ पे एक ओपोजिशन के लिए एक हथियार बन चुका है। किसके विरुद्ध? ये बन चुका है बीजेपी के विरुद्ध। अब यहाँ पे डिंपल यादव ने भी काफी कुछ बोला है अडानी को लेकर लोकसभा में। क्या कुछ बोला है, एक तो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके बाद एक डिंपल यादव के भाषण के बाद एक खबर आपको और बताऊंगा, जो कि काफी हो चुका है, क्योंकि उसमें मैनपुरी की जनता को काफी सहना पड़ रहा है। इसलिए सहना पड़ रहा है, डिंपल यादव को वोट देने का देखिए भूल समझिए या फिर एक गुनाह समझिए कि उनको ये सब कुछ सहना पड़ रहा है, क्योंकि डिंपल यादव को वोट देने के बाद उनके गांव में कम से दो चार गांव ऐसे हैं कि जहां पर लोगों ने डिंपल यादव को वोट दिया और उनके अब ऐसा हो रहा है कि भाजपा की जो सरकार है वो बिजली काट दे रही है 12-12, 13-13 घंटे, और बाकी गांव में आ रही है जहां पर भाजपा के रघुराज शाकर को वोट दिए थे लोगों ने, वहां पर आ रही है। लेकिन जहां पर डिंपल यादव को बहुमत से जिताया है वहां पर देखिए बिजली नहीं आ रही है, ये आरोप लगाए। पहले तो सुनिए डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है अडानी के मामले में लोकसभा में। खूब गर्जी सुनिए। नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी कह दोगे क्या? टेबल का काम तो उसमें सामान रखने का है, लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा एकाना नाम, उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जितने प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चों को ना स्वेटर मिल पाया, ना जूते मिल पाए, ना खाना टाइम से मिल पाया, बस पुता दिया इन्होंने, स्कूल पोत दिए होंगे, किताबें भी नहीं उपलब्ध करा पाए, रद्दी में बेची जा रही है। और इसी तरीके से स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई काम थे गाजियाबाद में। तो ये नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल देगी। वास्तव में संगठन जो एडवोकेट का है बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले जो समाज को में निर्माण का काम करते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं, कानून के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में, अध्यापक के क्षेत्र में जो निर्माण का काम करते हैं, ऐसे समाज को निर्माण और दिशा देने का काम लोग करते हैं, ऐसे प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोगों का सम्मान करने का काम, यानी समाज को प्रोत्साहित करने का काम, उत्साह वर्धन करने का काम, वो सम्मान सामाजिक समरसता के हिसाब से समाज के सभी वर्गों, यानी जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी है, ऐसा जो अच्छा काम कर रहा है वह सभी को सम्मान दिलाने के लिए एसोसिएशन जिस प्रकार काम किया, मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ संगठन, और इससे समाज को भी लाभ मिलेगा, प्रदेश का नाम भी रोशन होगा, और इसके साथ देश का भी नाम ऊंचा होता है, सोच बदल तीनों। राहुल गांधी द्वारा सदन में जिस तरह से पंडित बाग पर क्या कहना चाहेंगे, कहां तक टिप्पणी चाहिए? क्यों नोटिस लेते हैं लोग जो समाज को दिशा दे सकते हैं? न स्वयं दिशा ले सकते हैं लोग, न समाज को दिशा दे सकते हैं। इतने सालों से, 70 सालों से देश का शासन कर रहे हैं लोग, अभी शासन में थे, आज 8 सालों के अंदर देश के अंदर परिवर्तन दिख रहा है, सोच दिख रहा है। ये त्यागी त्यागी तपस्या का देश है, नेतृत्व करता भी तप और त्याग तपस्या करता है। 20 साल के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में 1 सेकेंड अस्वस्थ नहीं हुए, 1 सेकेंड की छुट्टी नहीं है। समाज को, दिशा को, जो सपना था स्वतंत्रता सेनानी, भारत माता की जय, और भक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, एक गरीब को लखपति बनाने का कोई काम कर रहा है दंडन, और स्वच्छता करके जो भारत माता को साफ करता है उनके तरफ से कह रहे हैं। तो शायद अखिलेश यादव जी का नाम अखिलेश सिंह यादव है, तो ये तो बात बोलने से पहले खुद समझना चाहिए कि भाई अगर आप शुद्ध हैं तो फिर नाम खटाक से बदल दीजिए ना। बीजेपी तो तैयार है नाम को स्वीकार करने को, तो खुद ही नाम बदलने की योजना बना रखी है, हम लोग भी बना रखे हैं। तो अखिलेश यादव जी अपने नाम के आगे अखिलेश शुद्ध लिख लें या फिर जाति लिखना बंद कर दें। क्यों कहते हैं कि अभी आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि मैं यादव हूं और मुझे यादव होने पर गर्व है, तो फिर शुद्ध की बात क्यों कर रहे हैं भाई? शुद्ध में बहुत सारी जातियां आती हैं। तो अखिलेश यादव जी ये भी बात बोलने से पहले
वो अपने नाम के आगे सिंह और यादव हटा दें और अखिलेश यादव जी इसका प्रमाण दें कि शूद्र हैं कि नहीं है। देश आजाद हो गया है, 1952 से चुनाव हो रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख के होनहार हो गए हैं, अब इनको शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से नहीं मतलब है, इनको रोजी रोजगार नौकरी से मतलब है, इनको अच्छी शिक्षा से मतलब है, इनको सुरक्षा से मतलब है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी पता ही नहीं किधर डाइवर्ट कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी भी नहीं समझ पा रहे इस चीज को। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे नेता हैं, उनको बात करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि उत्तर प्रदेश में टेक्निकल शिक्षा लाई जाए, उत्तर प्रदेश में रोजगार पर शिक्षा लाई जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे रोजगार का सृजन हो, उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसियां पेंडिंग में है उस पे उनको बात करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी जूता ही भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए जाल में फंस रहे हैं। मेरी नसीहत है उनको कि अखिलेश यादव जी अभी भी समय है, आप अपने आप को संभालिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी पार्टी से मोहन भागवत का बयान आ गया कि ये जाति तो पंडितों ने बना दी। एकदम उनका बयान सही है, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। उस समय जैसे कहा जाता है आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है, कहीं ना कहीं ये सत्यता भी है जो मोहन भागवत ने कहा है। मोहन भागवत जी को बहुत पहले समझ में आ जाना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं जन जागरूकता और शिक्षा की ही देन है कि मोहन भागवत जैसे बड़े व्यक्ति को भी इस बात पर कहने पर विवश होना पड़ा। मैं इसका श्रेय अगर देता हूं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को देता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लगातार मेहनत करके जो एक बार में ही जातियों का नाम गिनाते हैं, कहीं ना कहीं ये जातियों को उजागर करना नेताजी का जो एक ट्रेंड है, इससे मोहन भागवत जी भी थोड़ा सा हताश हुए हैं कि वो जातियां जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए हैं, जो सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे वही स्थिति रही है। इसलिए वो कह रहे हैं, मैं इसका समर्थन भी करता हूं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण जो है अपने सिर पे टोकरी रख के उसमें जाति ले लो जाति ले लो, कब से किस काल से ये बात कहते आया होगा? ऐसा नहीं है, मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण भी अगर एक जाति है तो अपने लिए जाति रखा ना, राजभर एक जाति है तो बताया ना कि राजभर जाति है। अगर उस समय 1952 से ही इस चीज को समाप्त करने का प्रयास किया गया होता और 1952 से ही उत्तर प्रदेश और देश में रहने वाली जितने भी वर्ग के लोग हैं या इंसान रहता है, अगर उसकी सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक और आर्थिक डेवलपमेंट किया गया होता तो आज जातिवार युद्ध नहीं होता, जाति जाति का संघर्ष नहीं होता, वर्ग संघर्ष नहीं होता। कहीं न कहीं ये मेरा जो मानना है, मोहन भागवत जी जिस एक व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा मानना है हम जैसे पढ़े लिखे लोग इस पे बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये जाति पर नहीं बल्कि व्यवस्था ने इस चीज को ऐसा कर दिया कि जो गरीब हो गया उसको जाति से संबोधित करना पड़ गया, जो अमीर हो गया उसको बिजनेसमैन में ला दिया गया, जो पूजा पाठ करने लगा उसको ब्राह्मण का दर्जा दे दिया गया, उसकी जाति ब्राह्मण में कई जातियां हैं, ठाकुर में कई जातियां हैं, हम राजभर हैं हमारे में 7 उपजातियां हैं, लेकिन उसकी तो चर्चा नहीं होती, उनकी सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। इसीलिए तो देखा कैसे आपने डिंपल यादव ने भाजपा पर काफी बड़े बड़े आरोप लगाए कि अडानी को और अडानी जैसे उद्योगपतियों को भाजपा जो है वो काफी अपने ऊपर बैक करती है और साथ ही साथ उनको काफी फायदा पहुंचाती है, और वही जो ये उद्योगपति है वो इलेक्शन के दौरान इनको फायदा पहुंचाते हैं। अब देखिए खबर आते हैं दूसरी खबर पर कि यहाँ पर जो डिंपल यादव का मेनपुर जहां से वो सांसद चुनी गई है वहां पर देखिए काफी कुछ हो रहा है, भाजपा जो है वो बदला ले रही है, ये आरोप देखिए समाजवादी पार्टी का है, वहां के गांव के लोगों का है। क्यों है, खबर क्या है, खबर ये है कि देखिए डिंपल यादव 2022 में चुनी सांसद वहां से मेनपुर से और अब भाजपा जो है वो चुन चुन कर बदला ले रही है। क्या बदला ले रही है कि जहां पे डिंपल जिस गांव से डिंपल यादव को बहुमत से वोट आए, जिस गांव से देखिए डिंपल यादव को लोगों ने काफी वोट कराए, उसी गांव में देखिए बिजली काट कर रही है, 12 से 13 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अब जब भाजपा से पूछा जाता है तो भाजपा क्या कह रही है, भाजपा ये कह रही है कि यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है, जो दूसरे इलाके हैं वहां पर बिजली पहुंचाई जा रही है और ऐसे ही दूसरे इलाकों के साथ होता है, ऐसा कोई नया कुछ नहीं हो रहा है, ये पुरानी हुआ है। तो इसमें अब जब ये बात डिंपल यादव तक पहुंची, समाजवादी पार्टी तक पहुंची, तो डिंपल यादव वहां पे पहुंची, उन गांव में पहुंची दौरा करने, तुरंत लोगों की समस्या सुनने के बाद तुरंत डीएम को बुलाया गया वहां पे जिन गांव के, और डीएम के आने के बाद डीएम ने ये आश्वासन दिया डिंपल यादव को और गांव के लोगों को कि अब यहां पर बिजली नहीं कटेगी। लेकिन ये बात को देखिए अब हो चुके हैं 12 दिन, अभी तक वहां पर देखिए कोई भी बिजली नहीं,
नहीं आई है। अभी भी देखिए 15-15 घंटे बिजली काटी जा रही है, कोई भी सुधार देखिए अभी तक नहीं हुआ है। और लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने गलती कर दी डिंपल यादव को वोट देकर, और इस पर अब भाजपा पर काफी बड़े बड़े आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि हमारे नेता जीतते हैं तो भाजपा की सरकार जो है वो बदला ले रही है। और गांव वाले भी देखिए, गांव वाले ऐसे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी डिंपल यादव को वोट देकर। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ करते हैं डिंपल यादव इसके खिलाफ, क्या लोकसभा में ये मामला उठाएगी डिंपल यादव, देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉडकास्ट।